हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और अब अनलॉक के साइड इफेक्ट से जुड़ी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कोरोना केस कम होने पर मुंबई अनलॉक हो रही है, ऐसे में लोगों ने काम पर जाने की शुरुआत की है, लेकिन सरकारी गाइडलाइंस की वजह से बसों की कमी हो गई है। मुंबई से इंडिया टीवी संवाददाता अतुल सिंह की एक लेटेस्ट रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 7 जून से मुंबई में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। धीरे धीरे लोगों को ऑफिस जाने का मौका मिल रहा है। 50% से ज्यादा आप जो प्राइवेट और सरकारी दफ्तर है वहाँ पर लोग जाकर काम कर सकते हैं। ऐसे में लोगों का घरों से निकलना काफ़ी भारी संख्या में देखा जा रहा है और इस वजह से जो लोग काम पर जाते हैं रोज़ाना उन्हें लंबी कतारों में खड़े होकर बसों के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। हम इस समय मुंबई के अंधेरी वेस्ट में बस डिपो के बाहर खड़े हैं और बाहर आप लाइन का कतार का नज़ारा देखिए, कितनी लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। दूर दूर तक लोग खड़े हैं और काफ़ी देर से यहाँ पर बस का इंतज़ार कर रहे हैं कि बस आएगी तो वो लोग ये बस पकड़ के निकलेंगे। और दोनों तरफ आप देखें, सड़क के एक तरफ ये लंबी लाइन लगी हुई है तो दूसरी तरफ बस डिपो के पास जो बस स्टैंड बना है उसके ऊपर एक अलग कतार लगी है। दोनों अलग अलग बसों के लिए लाइन लगी हुई है। रोज़ाना इसी तरीके से अंधेरी के इस बस डिपो का नज़ारा देखने को मिलता है। लंबी लंबी कतारें सुबह से ही लग जाती है, सुबह 6-7 बजे से ही लोग यहां पर कतारों में खड़े हो जाते हैं और 3 से 4 घंटे रोज़ाना इनको यहां पर इंतज़ार करना पड़ता है ताकि बस आए तो ये अपने अपनी जगहों पर जो ऑफिसेज हैं या मंजिल है वहां तक जा सकें। आप देखिए ये बुज़ुर्ग भी हैं जो यहां पर इस तरीके से बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर कितना देर हुआ लाइन में खड़े हुए? हो गया 15 मिनट। 15 मिनट हुआ है। 84 बस आती नहीं है। अच्छा, 84 लिमिटेड बस नहीं आ रही है। नहीं आ रही, कोशिश करते हैं। सर कहाँ जा रहे हो? खार जा रहे हैं। रोज इसी तरीके से? रोज रोज जाना पड़ता है, रोज 3 घंटा लाइन में लगना पड़ता है। 3 घंटे लाइन में लगे रहते हैं? लगे रहते हैं। काम राजमिस्त्री का काम करते हैं। अच्छा, और भी लोगों से बात करते हैं। सर कहाँ जा रहे हैं? मैं बांद्रा जा रहा हूँ। बांद्रा जा रहा हूँ। ईस्ट से वेस्ट में आने के लिए बस ही नहीं, गाड़ी नहीं। अंधेरी मरोल से इधर आने के लिए कोई बस नहीं है। कार है या बेस्ट है वो अपने तरीके से बसों को बढ़ाए ताकि जो सीट लिमिटेशन की है कि सिर्फ सीटों पर ही बैठकर लोग जा सकते हैं, क्योंकि कोरोना का जो लेवल 3 है उसमें ये नियम बनाया गया है कि कोई भी बस के अंदर बेस्ट के खड़ा होकर नहीं जाएगा। जितनी बेस्ट में बसें के अंदर सीट अवेलेबल होंगी उतने ही यात्री सफ़र कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आम यात्रियों के लिए लोकल से सफ़र करने पर भी पाबंदी लगी हुई है। तो ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रोज़ाना जो काम पर जाने वाले लोग हैं उन्हें किस तरीके की मुश्किलें झेलनी पड़ती है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।